हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो गुलदावदी की कटिंग पर है। गुलदावदी विंटर का बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि पूरे विंटर आपको भर भर के फ्लावरिंग देता है और इसकी फ्लावरिंग एक से डेढ़ महीने तक रहती है। यानी कि जो फ्लावर इसमें खिलेंगे वो एक से डेढ़ महीने तक जैसे के तैसे बने रहते हैं आपके गार्डन में और आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो आइए देखिए गुलदावदी यानी कि क्रिसेंथिमम की कटिंग को कैसे ग्रो किया जाता है। तो आइए देखिए कैसे लगाती हूँ मैं कटिंग को और आप भी इसी प्रकार से ग्रो कीजिएगा। ये देखिए, यह है गुलदावदी के प्लांट जिसे कि क्रिसेंथिमम भी बोलते हैं। और इसकी कटिंग जो है आपका रेनी सीजन में बहुत ही आसानी से लग जाती है और पूरे विंटर भर ये आपको फ्लावरिंग देते रहेंगे, क्योंकि मैं अभी इसकी कटिंग लगाऊंगी लेकिन बीच बीच में मैं 15-15 दिन के गैप में इसकी कटिंग को और भी ग्रो करती रहूँगी, जिससे कि 3 या 4 महीने तक इसके जो फ्लावर हैं मेरे गार्डन में बने रहें। और देखिएगा इसकी कटिंग को मैं कैसे ग्रो करती हूँ। मेरे पास गुलदावदी के 3 या 4 कलर के फ्लावरिंग प्लांट हैं, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि कौन से प्लांट में कौन सा कलर का फ्लावर आया था, लेकिन मैं सभी में से कुछ कुछ कटिंग लगा दूंगी। 2-2, 4-4 कटिंग सब में से लगा दूंगी। कुछ कटिंग चलेंगी तो कुछ कटिंग नहीं भी चलती हैं। और रेनी सीजन में इसमें जो रूटिंग होती है 15 से 20 दिन के अंदर हो जाती है। तो देखिएगा किस प्रकार की आपने कटिंग लेनी है गुलदावदी की, तो मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ कैसे आपको कटिंग करके इसे ग्रो करना है। ये देखिए जैसे ये है, और आपने इसकी टिप लेनी है। इसकी ब्रांच नहीं लगती है, मैंने बहुत बार लगाई है लेकिन वो नहीं लगी है। तो आपने इसकी जो टिप है, जैसे ये टिप है, ये देखिएगा ये यहाँ से फुटाव हो रहा है ना इसमें न्यू, तो आपको इसी प्रकार की ब्रांच को लेना है। जैसे यहाँ से मैं कट कर लूँगी, आप अभी ऐसे तोड़ के भी लगा सकते हो इसको। ये देखिए मैंने तोड़ लिया है, और तोड़ कर मैं इसको ऐसे भी ग्रो करूँगी तो ये लग जाएगा। और इसके जो लीव्स हैं नीचे के, वो मैंने हटा देने हैं सारे। मैं इसके सारे लीव्स हटा दूँगी नीचे के। ये देखिए, आप चाहे तो आप इसे ब्लेड से भी कट कर सकते हो, किसी शार्प चीज़ से भी कट कर सकते हो, लेकिन इसकी कटिंग को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है कि शार्प चीज़ से काटो। ये ऐसे भी आप लगाओगे तो बहुत आसानी से लग जाएगी। ये देखिए, टिप होनी ज़रूरी है इसमें। तो मैं इसको कटिंग को आपको ग्रो करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कम से कम 2 इंच तक नीचे जाना चाहिए, 1 या 2 इंच तक आप नीचे डाल दीजिए। देखिए ऐसे आपने सभी में से कटिंग ले लेनी है, जैसे ये है। आप ब्लेड से भी काट के इसके लगा सकते हो या कटर से। ये देखिए आप कटर से भी इसे काट सकते हो और हाथ से तोड़कर भी आप इसे लगा सकते हो। ये देखिए मैंने कट कर दिया है। इसमें कोई आपको 45 एंगल का कट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी लग जाता है। अगर मैं अभी इसकी कटिंग लगाऊंगी तो नवंबर में जाकर इसके जो प्लांट हैं वो तैयार हो जाएंगे फ्लावरिंग के लिए, और बहुत ही भर भर के आपको नवंबर तक फ्लावरिंग देंगे। ये देखिएगा, दोबारा से और नीचे के सारे लीव्स हटा देने हैं आपको, क्योंकि ये लीव्स अगर नहीं हटाएंगे तो ये मिट्टी के संपर्क में आकर सड़ सकते हैं और इसकी जो ये ब्रांच है इसे भी सड़ा सकते हैं। और अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई का लास्ट वीक है, मैं जुलाई के लास्ट वीक में इन्हें लगा रही हूँ, तो ये नवंबर तक फ्लावर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, बस आपने कुछ नहीं करना, ऐसे इसको अंदर कर देना है, डाल देना है। ऐसी मैं बहुत सारी कटिंग ग्रो कर लूँगी। ये देखिए, नीचे के लीव्स हटाना ज़रूरी है। आप नीचे के लीव्स, आप इतने भी लीव्स हटा सकते हो इसके, और आपने इतना इसको सॉइल में डाल देना है। और इसी प्रकार मैं सारी कटिंग को लगा लूँगी और फिर इसमें मैं वाटरिंग कर दूंगी। तो मैं वाटरिंग कर देती हूँ। इसी प्रकार आप भी गुलदावदी की कटिंग को ग्रो कर लीजिएगा अभी, जिससे कि आपको नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग आपको मिल जाए। और इसको अभी अपने रेनी सीजन है तो बरसात में आप रखो इसे, लेकिन जब बरसात ख़त्म हो जाए और धूप निकल आए तो धूप में इसको नहीं रखना है। अभी कम से कम 10 दिन तक आप इसे धूप में ना रखें,
पेड़ पौधों की छाया के बीच में रखें, जैसे कि बहुत सारे गमले हैं उनके बीच बिल्कुल छुपा कर रखें इन्हें, जिससे कि इसमें डायरेक्ट धूप ना पड़े, बिल्कुल छाया रहे, नहीं तो जो कटिंग है हमारी ये सूख सकती है। लेकिन जब बरसात हो तो इसे खुली बरसात में रख दें, जिससे कि इसमें रूटिंग ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके, 15 दिन के अंदर भी इसमें रूटिंग हो जाती है। तो इसी प्रकार आप गुलदावदी की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग को आपने हिलने नहीं देना है, अगर आपने कटिंग लगाई है तो उसे बार बार हिला के ना देखें या उसके निकाल के ना देखें, और अगर आप इसे बार बार हिलाओगे तो जो इसमें रूट्स आई है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और आपकी कटिंग नहीं चलेगी। गुलदावदी की सॉइल तैयार करने के लिए आपने इसमें कोकोपीट, सैंड और आपके गार्डन की जो सॉइल है बराबर बराबर मात्रा में लेनी है, जिससे कि जो पॉटिंग सॉइल है वेल ड्रेन बने और हल्की सॉइल बने, क्योंकि आपने बाद में इसको दूसरे गमले में भी शिफ्ट करना है तो मिट्टी हल्की होनी चाहिए। और ये विंटर का बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है, और विंटर में भर भर के इसमें फ्लावर आते हैं, जो कि मुझे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही कलरफुल होते हैं। मेरे पास इसमें येल्लो कलर है और ऑरेंज, और एक है पर्पल कलर जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।